हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रिमेनेंट एनिमल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक पार्ट के बारे में हम देखेंगे कि रिमेन क्या होता है यहाँ पर, फिर रिमेनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, नॉन रिमेनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, रिमेनेंट एनिमल नॉन रिमेनेंट एनिमल से डिफरेंट कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या स्टमक कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा आता है डेट व्हाट इज़ र्यूमन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि र्यूमन क्या होता है। ठीक, तो र्यूमन क्या होता है? र्यूमन, द र्यूमन ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ एन एनिमल इज द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट एंड डेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सैक। देखिए, जो इसमें बताया गया है कि र्यूमन क्या है, जो वो क्या होता है, र्यूमन कहाँ होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द एनिमल में होता है और ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट होता है और इसमें सेवरल सैक्स होते हैं। सैक्स मतलब क्या होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्पेस होती है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इसी में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिमेनेंट एनिमल और नॉन रिमेनेंट एनिमल में क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो रिमेनेंट एनिमल्स क्या होते हैं? तो रिमेनेंट एनिमल में जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हमने बेसिक से उसमें डेयरी साइंस में पढ़ा होगा क्योंकि एग्रीकल्चर का ये एक टॉपिक है, तो हमने इसमें पढ़ा होगा कि क्या है कि रिमेनेंट एनिमल्स में क्या होता है, फोर चैम्बर्ड होता है। राइट, फोर चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, तो मतलब स्टमक का जो स्ट्रक्चर होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है। उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो पहला होता है रूमन, देन सेकंड इज रेटिकुलम, देन ओमैजम एंड देन एबोमैजम। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स में। ठीक, उसके बाद द रूमन एंड रेटिकुलम आर कनेक्टेड एंड सम टाइम्स कॉल्ड रेटिकुलो रूमन। इसे हम क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो रूमन होता है, रेटिकुलम होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इंटर कनेक्टेड होता है। तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, उस कंबाइंड टर्म को हम क्या बोलेंगे, तो उस कंबाइंड टर्म को हम बोलेंगे रेटिकुलो रूमन बोलते हैं। ठीक है, और नॉन रिमेनेंट जो होते हैं, नॉन रिमेनेंट में एक ऐसा स्टमक स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होते हैं, मोनोगैस्ट्रिक्स होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मोनोगैस्ट्रिक्स बोलते हैं। मोनोगैस्ट्रिक्स मीन्स क्या कि मतलब इसमें जो इसमें स्टमक है उसमें वो सिंगल कंपार्टमेंट से बना होता है। ठीक, तो इसकी वजह से उसमें मोनोगैस्ट्रिक्स बोला गया। ये नॉन रिमेनेंट एनिमल्स में होता है। ठीक है, सिंपल स्टमक होता है जैसे कि ह्यूमंस में, जैसे हम लोगों में होता है स्टमक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट फूड खाते हैं और डायरेक्ट वो फूड कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है और वहीं पर डाइजेशन का प्रोसेस होकर के और जो भी फीकल मटेरियल होता है निकल जाता है। बट रिमेनेंट एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता है। रिमेनेंट एनिमल में क्या होता है वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों उनमें ऐसा स्ट्रक्चर दिया होता, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों उनमें दिया होता है, तो इसका मेन रीज़न ये भी है कि उनकी फीडिंग हैबिट, जो उनकी क्या होता है, जो उनका फीड होता है। ठीक, जो उनका फीड होता है, जो उनकी फीडिंग हैबिट होती है, जैसे वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग जैसे ग्रासेस खाते हैं, ठीक, प्लांट्स वगैरह जो स्मॉल होते हैं, जो फॉर्डर उनका होता है, तो इन सब जो उनकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी क्या होता है, उनका स्टमक इस वजह से डिज़ाइन किया जाता है, इस वजह से उनका डिज़ाइन वैसा होता है कि उसमें वो होता है। ठीक, तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे, उसके बाद हम अभी नेक्स्ट देखेंगे उसमें क्या है। और हाँ, ये भी देख लेते हैं कि नॉन रिमेनेंट एनिमल्स में क्या, जैसे नॉन रिमेनेंट में क्या आ जाएंगे, दे देयर फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, जैसा बताया कि वो क्या होता है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। दे आर इधर ओमनीवोर्स, या तो वो ओमनीवोर्स होंगे, मीन्स क्या कि वो प्लांट्स भी खाते होंगे, मतलब प्लांट्स और वेजिटेबल्स भी खाते होंगे और साथ साथ क्या होता है, मीट भी खाते होंगे। तो उनमें होगा जैसे कि ह्यूमन इज़ द बेस्ट एग्जांपल, ह्यूमन हो गया और डॉग हो गए, इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। ठीक है, ओमनीवोर्स के। देन नेक्स्ट आता है, या तो वो कार्निवोर्स होंगे, कार्निवोर्स होंगे, ठीक, सच एज स्वाइन और पोल्ट्री। स्वाइन और पोल्ट्री में भी, इसमें भी क्या होता है, इनका भी क्या होता है, ये भी नॉन रिमेनेंट में ही आते हैं। ठीक है, तो ये भी नॉन रिमेनेंट में हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एडल्ट काउ। एडल्ट काउ जो होती है, सबसे पहले देखते हैं आगे फिगर होगा। हाँ, तो पहले हम फिगर देख लेते हैं, फिगर कैसा है उसका। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये माउथ पार्ट है। ठीक, सॉरी, ये सबसे पहले यहाँ पर माउथ पार्ट है। माउथ पार्ट से वो कहाँ पर जा रहा है उसका, माउथ पार्ट से सबसे पहले जैसे उसने फीडिंग मतलब फीड किया, उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू वो कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले वो र्यूमन में जाएगा ऐसे। ठीक, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ एरो भी बना है, र्यूमन में गया, फिर रेटिकुलम, यहाँ पर ये रेटिकुलम है। ठीक, रेटिकुलम के बाद वो कहाँ पर जाएगा, रेटिकुलम के बाद फिर वो ओमैजम में जाएगा, ये ओमैजम में जाएगा। ठीक, एक एक स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है इसका। ठीक, फिर यहाँ पर ओमैजम में जाने के बाद फिर वो एबोमैजम के थ्रू फिर वो इंटेस्टाइन में इंटर करते हुए बाद में फिर वहाँ पर कंप्लीट होकर के और फीकल मैटर निकल जाएगा। तो ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, जिससे उसके बाद जो हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हमको ईजिली मतलब ईजिली हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये रिमन कहाँ है, रेटिकुलम कहाँ है। तो ठीक, तो चलिए देखते हैं फिर उसको भी। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे फिर से आते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एडल्ट काउ, उसका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब कि डाइजेस्टिव पूरा पाथ कैसा होता है, कि उसका
डाइजेस्टिव पाथ जो हम बात करेंगे, पाथ उसका कैसा होता है, तो उसका पाथ कैसा होता है वो देखेंगे। तो द काउज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसीडर्ड द फॉलोइंग, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने देखा वहाँ पर कि सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है, ठीक। देन सेकंड ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कह सकते हैं टाइप से, कि क्योंकि ये क्या होता है, इसी के थ्रू जो है फूड एंटर कर रहा होता है आगे पाथवे में, ठीक। देन नेक्स्ट आता है फोर कंपार्टमेंट स्टमक, इसमें फोर कंपार्टमेंट स्टमक होगा। हमने पहले देखा कि था कि ये क्या है, ये एक टाइप का क्या है, र्यूमिनेंट एनिमल है ना, ये क्या है एक टाइप का र्यूमिनेंट एनिमल है। तो र्यूमिनेंट एनिमल होने में इसकी वजह से इसमें क्या है, फोर कंपार्टमेंट स्टमक है इसका, ठीक। तो फोर कंपार्टमेंट में सबसे पहला कौन सा आता है, तो र्यूमेन पाउच आता है। सबसे पहला कौन सा होगा, र्यूमेन पाउच होगा, जिसे सॉरी र्यूमेन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है र्यूमिनेंट एनिमल में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है वो र्यूमेन ही होता है, ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले फूड इंटर होगा जो अनचिव्ड या अन वैसे रहेगा, ठीक। फिर अगला आता है रेटिकुलम, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसका, रेटिकुलम है, ठीक। सेकेंड वाला क्या है, रेटिकुलम, रेटिकुलम को हम हनीकॉम स्ट्रक्चर जैसा होता है तो उस हनीकॉम बोलते हैं, ठीक। देन थर्ड आता है हमारा कौन सा, ओमैजम, ओमैजम को मैनीप्लाइज बोलते हैं। अब ओमैजम को मैनीप्लाइज क्यों बोलते हैं, वो उसमें क्या होता है कि जनरली नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ओमैजम को वैसा वो दिखता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, तो वो मैनीप्लाइज होता है। फिर अब ओमैजम यहाँ पर ट्रू स्टमक है, क्योंकि जो ट्रूली डाइजेशन, जो पूरा फाइनल डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, अबोमैजम के थ्रू होकर के फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के होकर के फिर उसके बाद उसका फीकल मटेरियल जो भी होता है वो पूरा फीकल मटेरियल क्या होगा वहाँ पर निकल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर फिगर देख ही लिया था। देन उसके बाद हम देखते हैं र्यूमेन। अब एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, र्यूमेन क्या होता है। तो र्यूमेन क्या होता है, द र्यूमेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एनिमल इज द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट, ये हमने देखा था पहले स्टार्टिंग में ही कि र्यूमेन क्या होता है, ठीक इतना। फिर उसके बाद इट कैन होल्ड 25 गैलन्स ऑफ और मोर ऑफ फूड मटेरियल, इसमें 25 गैलन्स, 25 गैलन्स फूड मटेरियल इसमें क्या होता है स्टोर हो सकता है एक बार में, जैसे वो फीडिंग करती है तो एक बार में कितना स्टोर हो सकता है उसका फूड, तो 25 गैलन्स स्टोर होता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे हम देख रहे थे यहाँ पर कि गैलन 25 गैलन्स होता है, अगर हम बात करें 1 गैलन की, कि हाँ 1 गैलन में कितना होता है, तो 1 गैलन में हम कह सकते हैं कितना होगा, तो यस हम बात कर रहे थे 1 गैलन ना, तो 1 गैलन इज इक्वल्स टू, 1 गैलन जनरली एक लिक्विड क्वांटिटी के लिए, सेमी लिक्विड के लिए हम कह सकते हैं होता है, तो 1 गैलन कितना होता है, 1 गैलन इज इक्वल्स टू 3.785 समथिंग, ये लीटर्स में होता है, ठीक। लीटर में अगर समझने के लिए हम समझें तो 3.785 लीटर होता है इसमें, ठीक। और फूड मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द काउ, काउ के साइज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए काउ ही हमारी क्या है स्मॉल है, या ऐसी ब्रीड की है जिसकी क्या है जिसका बॉडी वेट कम होता है, या फिर क्या बोलेंगे उसका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा है, तो अब उसके केस में तो नहीं हो सकता ना कि उतना ही होगा, ठीक। तो वो डिपेंडिंग ऑन द, तो वहाँ पर इस वजह से लिखा डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द काउ, बिकॉज ऑफ इट साइज, उसके साइज की वजह से क्या होता है, द र्यूमन एक्ट एज अ स्टोरेज एंड होल्डिंग वर्ट फॉर फीड। तो इसके साइज की वजह से क्या होता है, र्यूमन में क्या होता है, इसके साइज की वजह से ये स्टोरेज वैट की तरह परफॉर्म करता है, ठीक है। क्या होता है, असाइड फ्रॉम स्टोरेज, स्टोरेज के अलावा रूमेन का क्या फंक्शन होता है, तो रूमेन का फंक्शन क्या होता है, फर्मेंटेशन में, ठीक। एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा फर्मेंट करने में, थोड़ा सड़ाने का काम भी ये करता है, ठीक। द र्यूमेंस इन्वायरमेंट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब, र्यूमेन का ऐसा इन्वायरमेंट होता है, उसमें ऐसा इन्वायरमेंट मतलब यहाँ पर होता है कि जिससे क्या वो फेवर क्या करता है कि माइक्रोब का फेवर करता है, ठीक। दिस माइक्रोब डाइजेस्ट और फर्मेंट फीड, ये माइक्रोब क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फर्मेंट करते हैं फीड को। र्यूमेन मेक वॉलेटाइल फैटी एसिड, ये जो VFA है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वॉलेटाइल फैटी एसिड बनाता है। द र्यूमेन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द VFAs फ्रॉम द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस अगर हम सिंपल सिंपल देखें तो क्या है कि इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी र्यूमन में होता है, ठीक। देन गुड ब्लड सप्लाई ऑफ द र्यूमन वॉल्स इंप्रूव द, अब यहाँ पर क्या होता है, र्यूमन में क्या होता है, र्यूमन की वॉल में ब्लड सप्लाई क्या होती है, वो अच्छी होती है, प्रॉपर होती है, ठीक, गुड होती है। तो इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है VFAs का, मतलब वॉलेटाइल फैटी एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन है, जो फैटी एसिड्स उसके फीड में आया था, फीड के थ्रू आया था, तो उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। एंड अदर डाइजेशन प्रोडक्ट और जो बाकी के दूसरे जो डाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं उसके भी क्या उसमें हेल्प करेगा वो, ठीक। टाइनी प्रोजेक्शन से इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैपिली बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, पैपिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैपिली बोलते हैं, ठीक। पैपिली लाइन इन द र्यूमन, इसमें वो होता है र्यूमन में प्रेजेंट होता है, विच इंक्रीजेस, इसके वजह से क्या होता है, जो कि इसके वजह से क्या है? वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, र्यूमन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, ठीक। अब देखिए 25 गैलन्स अगर स्टोर कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ वैसा स्ट्रक्चर होगा, तो यही जो स्ट्रक्चर, जो टाइनी प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं ऐसे, उसी को क्या बोला गया है यहाँ पर, उसी को हम लोगों ने बोला है कि ये क्या होता है, पैपिली होता है, ठीक। क्या होता है, पैपिली होता है, यहाँ पर पैपिली लाइन होती है र्यूमन में, ठीक।
और इसके वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, अमाउंट जो एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या होता है, रेटिकुलम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलम भी क्या होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इन द फॉरवर्ड एरिया ऑफ द बॉडी। ये कहाँ पर होता है, फॉरवर्ड एरिया, बॉडी के फॉरवर्ड एरिया में होता है, ठीक, क्लोज टू द हार्ट। कहाँ पर होता है, हार्ट के पास होता है, क्लोज टू द हार्ट। रेटिकुलम हमने स्ट्रक्चर देखा था कि सबसे पहले र्यूमन था, तो र्यूमन क्या था, र्यूमन यहाँ पर कहीं पर था, फिर र्यूमन से फिर ऐसे यहाँ पर जा करके ये यहाँ पर रेटिकुलम था, ठीक। तो ये जो रेटिकुलम, ये कहाँ है, उसके एनिमल के हार्ट के पास होता है, ठीक। द टिश्यू इन द रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क सिमिलर टू द हनीकॉम। हनीकॉम नेटवर्क की तरह वो करता है, इसी वजह से इसका हमने पढ़ा भी था कि रेटिकुलम को और हम किस नेम से जानते हैं, तो रेटिकुलम को हम हनीकॉम के नेम से भी जानते हैं, ठीक। तो वो हनीकॉम के नेम से भी यहाँ पर हम जानते हैं उसको। सो नेक्स्ट आता है, द स्मॉल टिश्यू फोल्ड लाइज बिटवीन द रेटिकुलम एंड द र्यूमन, बट द टू आरंट सेपरेट कंपार्टमेंट्स। देखिए, र्यूमन और रेटिकुलम जो हमने पढ़ा था तो उसमें ये भी लिखा था कि र्यूमन और रेटिकुलम जो होता है क्या, टिश्यूज़ के फोल्ड के वजह से वहाँ पर क्या होता है, वो कंबाइन ही एक टाइप से हम कह सकते हैं कंबाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ऐसा अलग अलग नहीं होता। बट द टू आर एंड द सेपरेट, इसी वजह से बोला कि ये कोई दो अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, टुगेदर दे कॉल्ड र्यूमेनो रेटिकुलम। इसको एक साथ में क्या बोलते हैं, र्यूमेनो रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम र्यूमेनो रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, र्यूमेनो रेटिकुलम बोलते हैं। हैवी और डेंस फीड एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स ईटन बाय द काउ ड्रॉप्स इन दिस कंपार्टमेंट। अच्छा हाँ, यहाँ पर रेटिकुलम में क्या होता है कि जैसे किसी फीड में मान लीजिए वो चारा खा रही है, ठीक, काउ जो है फीड खा रही है, अपना चारा खा रही है, उसमें ग्रास खा रही है, उसमें कहाँ कहीं मान लीजिए थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक, जैसे हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए, सपोज छोटा सा स्टोन आ जाए या पेबल आ जाए, खाते खाते उसके फीड में हो सकता आ सकता है, या फिर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसमें, तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो मेटल ऑब्जेक्ट जो खाती है वो कहाँ पर आ जाता है, वो इसी कंपार्टमेंट में आ जाता है, ठीक, बस आता है। उसके बाद वो आगे का उसका फंक्शन क्या होगा, वो यहाँ पर हम ओमेजम में पढ़ेंगे, ओमेजम क्या होता है, ठीक। तो ओमेजम में हम देखेंगे, ओमेजम क्या होता है, ओमेजम इज द ग्लोब शेप्ड स्ट्रक्चर। ये ग्लोब शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, ग्लोब मतलब कैसा, सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक। स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग लीव ऑफ टिश्यूज, इसमें टिश्यूज की लीव होंगी, जैसे पेजेस ऑफ द बुक, जैसे बुक के पेजेस होते हैं, तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, मैनीप्लाइज। हमने इसमें देखा था कि इसे हम क्या बोलते थे, मैनीप्लाइज, ठीक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टिश्यू लाइक पेजेस, पेजेस जैसे बुक के पेजेस होते हैं वैसे इसमें भी स्ट्रक्चर होता है। इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम डाइजेस्टिव कंटेंट। अब ये क्या करता है, जो वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक, क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है डाइजेस्टिव कंटेंट से, फीड मटेरियल इंजेस्टा, उसे हम क्या बोलते हैं, जो वो खाते हैं, ठीक, काउस जो खाते हैं जो उसका फीड मटेरियल, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेस्टा बोलते हैं, ठीक। इट इज़ नोन एज इंजेस्टा। बिटवीन द लीव्स विच विल बी ड्रायर देन इंजेस्टा फाउंड इन दोज कंपार्टमेंट, ठीक। उसके बाद अगला आता है एबोमेजम। एबोमेजम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं क्या है। द एबोमेजम इज ऑनली कंपार्टमेंट लाइंड विद ग्लैंड। इसमें इसी में क्या होते हैं, इसी में क्या होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक। ये ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, डाइजेशन के प्रोसेस में चाहे वो रूमिनेंट हो चाहे वो नॉन रूमिनेंट हो, उसके लिए एच सी एल मीन्स क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या करता है, प्रमोटर की तरह काम करता है, ठीक। विदाउट एच सी एल क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम और एच सी एल नहीं प्रेजेंट होगा तो जो हमारा फीड है वो जो है प्रॉपर, जो है क्या बोलेंगे, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो नीडेड टू ब्रेक डाउन फीड्स द एबोमेजम इज सिमिलर टू द नरिशमेंट स्टमक, नो सॉरी, नॉन रिमिनेंट स्टमक के तरह ही होता है, ठीक। जैसे नॉन रिमिनेंट में क्या होता है, नॉन रिमिनेंट में सिंगल कंपार्टमेंट होगा, तो उसी में सिंगल कंपार्टमेंट स्टमक में ही क्या प्रेजेंट होता है, अपना एस सी एल प्रेजेंट होता है, और भी जो फंक्शन होते हैं सब कुछ इसी में होते हैं। तो नॉन रिमिनेंट और रिमिनेंट में जो होता है एबोमेजम का काम, वो सिमिलर ही होता है, ठीक। मतलब हम कह सकते हैं एक टाइप का ये क्या है, यही एक ट्रू स्टमक है, क्योंकि फर्दर जो पूरा सब कुछ इसमें हो रहा है, एस सी एल यहीं पर प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहीं पर प्रेजेंट है, पूरा डाइजेशन का पूरा यहाँ पर क्या होगा, वो सारा एब्जॉर्प्शन यहीं पर होगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये ट्रू स्टमक इसे बोला गया। और ये रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट दोनों में इसका फंक्शन सिमिलर होता है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती जा रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शन। उसमें थ्री सेक्शन होते हैं, पहला क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, जेजनम होता है और ईलियम होता है। इट मेजर्स अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द एनिमल। एनिमल की जितनी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा सिर्फ नेम स्मॉल है बट इसकी जो एनिमल की लेंथ, सपोज अगर इतनी है तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कितनी होगी, 20 टाइम्स होगी, ठीक। 20 टाइम्स ऑफ द स्मॉल, 20 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द एनिमल।
उसके लेंथ के 20 टाइम्स होता है, ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो उसके 20 टाइम्स होती है लेंथ ऑफ एनिमल। देन द सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रिया देन गॉल ब्लैडर एड इन द डाइजेशन। अब इसमें सिक्रेशन पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के सिक्रेशन की वजह से इसमें डाइजेशन में हेल्प होती है। एड मीन्स क्या होता है, हेल्प होता है, ठीक। तो इससे हमको क्या मिलता है, हेल्प मिलती है विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्पफुल रहेगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन कम्प्लीट मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस एंड एब्जॉर्ब्स मेनी न्यूट्रिएंट्स थ्रू द विलाई। विलाई, अब यहाँ पर विलाई क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो उसमें किसमें प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फ्रॉम द विलाई द न्यूट्रिएंट्स एंटर इन द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब विलाई क्या करेगा, विलाई रिलीज करेगा क्या, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा और वो जाकर के किससे मिक्सअप हो जाएगी, ब्लड से और लिम्फेटिक सिस्टम से मिक्सअप हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद आगे का डाइजेशन का प्रोसेस आता है। अगला क्या होता है, सीकम होता है। सीकम देखते हैं क्या होता है, सीकम इज द लार्जेस्ट एरिया वेयर द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन मीट। सीकम जैसे, सीकम क्या होता है, सीकम सपोज जैसे एक टाइप का हम बोले कि अगर प्लेग्राउंड है तो प्लेग्राउंड में क्या होता है, यहाँ पर कुछ बच्चे इधर से, कुछ बच्चे इधर से, इधर से, इधर से, ऐसे सब आते हैं ना, तो वैसा ही ये समझने के लिए प्लेग्राउंड का एग्जांपल मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर उसी तरह सीकम क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आकर के मिल रही होती है, ठीक। द सीकम ब्रेक्स, द सीकम ब्रेक्स डाउन सम प्रीवियसली अनडाइजेस्टेड फाइबर। सीकम क्या करता है, जो प्रीवियसली अनडाइजेस्टेड फाइबर मान लीजिए जो हमारा एबोमैजम था, ठीक, एबो मैजम, ठीक, अबो मैजम जो था हमारा वहाँ पर वो ट्रू स्टमक था, बट वहाँ पर मान लीजिए कुछ क्या है कि डाइजेस्टर जो नहीं हो पाया वो यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, ठीक, फर्दर यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, बट द एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द सीकम रिमेंस अननोन। एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस तो हम नहीं बोल सकते हैं कि सीकम का, बट ये क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका प्रीवियसली जो अनडाइजेस्टेड फाइबर है वो यहीं पर कहीं पर आकर के क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक। फिर उसके बाद अगला आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन द लास्ट सेक्शन। अब ये लास्ट सेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसी भी एनिमल के, या फिर हाँ किसी भी एनिमल का, ये अनडाइजेस्टेड फीड स्टफ जो होता है वो इसी के थ्रू पास होता है, और माइक्रोब्स जो होते हैं डाइजेस्ट और सम अनडाइजेस्टेड फीड हेयर, जो कुछ डाइजेस्टेड होते हैं कुछ अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो अब सारा फाइनली सब कुछ यहीं हो जाना है ख़त्म। इसके बाद कोई डाइजेशन में कोई वो नहीं, फीकल मटेरियल रिमूव किया जाना है, ठीक। बट द मेन डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। जो मेन फंक्शन की बात करें, मेन डाइजेस्टिव फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है काव डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए हमने एडल्ट काउ का वो देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, अब एडल्ट काउ में डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा होता है काफ की, देखिए फीडिंग हैबिट तो डिफरेंट होगी कुछ ना कुछ, ठीक। तो उसकी फीडिंग हैबिट के बेसिस पे ही काफ का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, दूसरे टाइप से डिजाइन होता है, थोड़ा सा क्या है उसमें चेंज होता है, न्यू बॉर्न बेबी रहता है वो। तो रीमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमैजम होता है। ओमैजम क्या होता है, यहाँ पर रिमेन अनडेवलप्ड एट द बर्थ। ये जो सारे ये हैं रीमेन रेटिकुलम ओमैजम, ये सारे अनडेवलप्ड रहते हैं, मतलब उतना डेवलप नहीं रहता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या डेवलप रहेगा, एबोमैजम। देखिए बैकग्राउंड में एक मैंने इमेज भी लगा रखी है जिसमें दिख रहा है आपको कि एबोमैजम 60% है, रेटिकुलम 5% डेवलप हुआ होता है, ओमैजम 10% और रीमेन 25%। तो बात करें अगर सीक्वेंस की, सबसे ज़्यादा क्या डेवलप होता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एबोमैजम फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पे रूमेन होगा, और तीसरे नंबर पे जो होगा ओमैजम डेवलप्ड होता है, और सबसे कम जो है वो रेटिकुलम अपना डेवलप होगा, ठीक। तो ये फोर्थ नंबर पे हम इसको रखते हैं कि ये होता है, ठीक। तो ऐसा हम समझ सकते हैं द रूमेन रेटिकुलम, ये बाकी सारी चीज़ें अनडेवलप्ड होती हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कि ट्रू स्टमक के नेम से हम किसे जानते थे, अब आप लोग बताइए ट्रू स्टमक के नेम से हमने क्या पढ़ा था। तो ट्रू स्टमक के नेम से हमने क्या पढ़ा था, अबोमैजम, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था, यही है ट्रू स्टमक, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इसमें भी डेवलप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ अनडेवलप होती है। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ द काफ लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट इज द एबोमैजम। उसका काफ का जो सबसे ज़्यादा होता है वो एबोमैजम होता है। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ द र्यूमन डजेंट फंक्शन, इस केस में क्या होता है, र्यूमन फंक्शन नहीं कर रहा होता, एंड दस सम फीड्स है डेट मैच्योर द काउस कैन डाइजेस्ट काफ कैन नॉट। देखो देखिए क्या होता है, काफ का जो मोस्टली जो फीड मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, मोस्टली उसमें क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक। और वहीं पर बात करें हम एडल्ट काऊ की, तो एडल्ट काऊ में क्या होता है, एडल्ट काऊ में हमारा क्या होता है, वो ग्रासेस भी खा सकती है, ठीक, और फॉडर भी खा सकती है, ठीक, और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वैसे उन पर भी फीड कर सकती है, स्मॉल प्लांट्स पर भी फीड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं तो उसकी फीडिंग हैबिट में चेंज है ही है कि एक काफ जो अभी न्यू बॉर्न यंग बेबी है उसमें और कहीं ना कहीं एडल्ट में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हैं, ये फीडिंग हैबिट में भी कुछ ना कुछ नहीं बहुत चेंजेस हैं, क्योंकि जो जनरली काफ होता है वो किस पे फीड करेगा, ओनली मिल्क पे फीड करेगा, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा एबोमैजम डेवलप होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ र्यूमन, र्यूमन कैसे डेवलप होगा। तो यस, तो ये हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है, उसके बाद हम एक बार सम अप कर लेंगे जल्दी से। बट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हम देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैसे होता है। तो ह्यूमन विल बी अनडेवलप्ड एज लॉन्ग एज द काफ स्टेज ऑन मिल्क। जैसे जैसे मतलब जितने दिनों तक जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है जो काफ है वो मिल्क पर फीड करेगा, तब तक क्या होगा, वो ह्यूमन अनडेवलप रहेगा। वंस द काफ बिगेंस ईटिंग ग्रास ग्रेन, एक बार जब ग्रेन और फॉरेज वो खाने लगेगा
काप भी खाने लगे तो माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन होगी विल डेवलप इन द र्यूमन। फिर वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन कहाँ डेवलप होने लगेगी? र्यूमन में डेवलप होने लगेगी। देखिए र्यूमन ऐसा नहीं कि अचानक से कोई डेवलपमेंट हो गया, उसका डेवलपमेंट पहले भी था, बट कितना था? 5% पे वो था। ठीक, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 to 10%, यहाँ पर 10% पे था। तो ये चीज़ ऐसे नहीं कि सडन हो गया वो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, बस वो डेवलप नहीं हुआ था। क्यों नहीं डेवलप हुआ था? क्योंकि उसकी फीडिंग हैबिट वैसी नहीं थी ना, क्योंकि वो खाना क्या खा रहा था? मिल्क, ओनली मिल्क पे फीड कर रहा था। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे क्या करेगा? ग्रेन पे करेगा, फॉरेस्ट पे करेगा। माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे र्यूमन और रेटिकुलम में भी डेवलप होगा। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द र्यूमन। जो एंड प्रोडक्ट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? र्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। कार्ब्स डजंट हैव द कट इनोकुलेशन टू स्टार्ट र्यूमन डेवलपमेंट। देखिए कास में जनरली नहीं होता, ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती, फिर वो उसी की वजह से धीरे धीरे फिर क्या होगा? र्यूमन का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू। इसी की वजह से क्या होगा? फिर र्यूमन डेवलप होगा। उसके बाद एक हम लास्ट पैरा देख लेते हैं, इसमें क्या है? द फीडिंग ऑफ द ग्रेन विद और विदाउट फॉरेज ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ द लाइफ विल रिजल्ट इन लार्ज एंड हैवियर पैपली ग्रोथ इन द र्यूमन। देखिए पैपली ग्रोथ क्या होगा वो र्यूमन में किस पे डिपेंड करेगा? कि वो जो फर्स्ट फॉरेज और जो फर्स्ट फ्यू वीक्स में खाएगा वही उस पर डिपेंड करेगा कि लार्जर और हैवियर पैपली पैपली उसमें कितना ग्रोथ करेगी। ठीक, दस द र्यूमन विल बिगिन फंक्शनिंग लाइक द एडल्ट व्हेन द काफ इज 3 मंथ ओल्ड। तो र्यूमन का फंक्शन कब से स्टार्ट होने लगेगा प्रॉपर? जब काफ क्या हो जाएगा, कितने मंथ्स का हो जाएगा? 3 मंथ क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। ठीक, तब से वहां पर क्या हो जाएगा? काफ में र्यूमन का प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज के इस वीडियो में हमने ये पूरा जाना कि र्यूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, नॉन र्यूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, र्यूमन क्या होता है, फिर उसके बाद एक एक हमने देखा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो फर्स्ट अगर हम सम अप कर लें लास्ट में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? र्यूमन होता है। ठीक, सबसे पहले एडल्ट काऊ में बात करें तो र्यूमन में जाता है, सेकेंड में किस में जाता है? रेटिकुलम में जाता है। ठीक है, रेटिकुलम में जाता है। देन थर्ड की बात करें, थर्ड किस में जाता है? तो बताइए, आप लोग भी बताइए। ओमेजम में जाएगा। ठीक है, ओमेजम में जाता है। ठीक, और फोर्थ अगर बात करें हम, फोर्थ किस में जाएगा? तो अबोमेजम में जाएगा। ठीक, तो फोर्थ अबोमेजम में जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टिकम, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के होने के बाद वहाँ पर डाइजेशन खत्म हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा यही था। तो ये पूरा आज की वीडियो में हमने देखा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, थैंक यू।